What's up guys, this is Abrami and you're watching Abrami Vlogs. Welcome back to the channel guys. तो भाई थंबनेल देखने के बाद आप थोड़े से तो हिल गए होगे, मतलब कि ये क्या है, ये क्या मजाक चल रहा है। तो भाई एक बार को तो हमें भी ये लगा था क्या मजाक चल रहा है ये। हुआ कुछ यूं कि प्लान तो था मेरा बाइक पे जाने का कहीं घूमने, क्योंकि भाई अपने को क्या, अपने को करना है एडवेंचर, और एडवेंचर मतलब भाई जो बाइक पे होता है वो तो बस का ही होता है। तो भाई अपना प्लान था बाइक पे जाने का, तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि बाइक पे जाने वाला जो प्लान था वो हो गया कैंसिल। अब भाई अपना एडवेंचर कैसे हुए, तो भाई फिर बाइक का जो प्लान था वो छोटा था, थोड़ा पास तक था, पर फिर हमने बनाया दूर का प्लान जो कि सर लद्दाख का था। और अब लद्दाख पे था कि गाड़ी कौन सी लेके जाएं, गाड़ियों के ऑप्शन थे, बट द थिंग इज सिलेरियो में जो एडवेंचर, जो नेक्स्ट लेवल, और मतलब एक कुछ अलग, कुछ हटके यार, कुछ हटके करने वाला सीन था। और बस फिर वही है, तुम्हारे भाई के साथ मैंने वही किया और हटके करने के चक्रों में बस कैसे क्या ही हो गया, सब कुछ बताऊंगा तुम लोगों को। व्लॉग बना रखा है एक, मतलब कैसा बताऊं यार, फर्स्ट टाइम व्लॉग था एज ए ट्रैवलिंग व्लॉग। मैं आप लोगों को पता है नॉर्मल ऐसे व्लॉगिंग करता हूं, कुछ अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन होगी, छोटी मोटी चीज़ें, मोटो व्लॉगिंग कर ली, सिटी के अंदर व्लॉगिंग कर ली, ये सब होता है। पर ऐसे पहली बार ये हुआ था कि मतलब घूमने, तो भाई घूमता तो बहुत ज़्यादा रहता हूँ, मतलब मेरे साल के 4 से 5 ट्रिप तो आराम से लग जाते हैं, बट व्लॉगिंग जो मैं नहीं करता, ट्रैवल व्लॉगिंग, क्योंकि यार इतना सही हूँ नहीं मैं उस चीज़ में। हालांकि मेरा मन बहुत करता है, बट मैं बनाता भी व्लॉग्स पर उनको अपलोड नहीं करता, ऐसे होते ओके ओके। बट इस बार मैंने ट्राई किया है बढ़िया व्लॉग बनाने का और कोशिश करता हूँ अपलोड करूँ। बाकी देखते हैं यार, जैसा भी हो आप लोगों मेरे को बता देना, जैसे भी आप लोगों को लगे, ट्राई किया है, बाकी आगे और बढ़िया बनाएंगे। पहली कोशिश थी तो भाई थोड़ा सा कर लेना, बट आगे जो है बहुत बढ़िया ही होंगे। तो भाई अब बात कर लेते हैं गाड़ी की, सिलेरियो की, लद्दाख ट्रिप के बारे में। तो भाई ओवरऑल बताऊं तो बहुत बढ़िया रहे, बहुत बढ़िया, सब कुछ ओके रहा। बस दिक्कत एक जगह पे आई, रोड बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ख़राब थे भाई, एक्सट्रीम लेवल पे। जो इस टाइम पे जो हालत है ना, अगर आप लोगों को पता, आप दूसरे यूट्यूबर्स के व्लॉग देखते हो जो अभी गए हुए हैं लद्दाख, तो उन्होंने बताया था अपने व्लॉग में कि रोड जो है एक्सट्रीमली ख़राब है इस टाइम, इस सीज़न में अभी हुए हैं। और बस उनकी वजह से थोड़े से परेशान हो गए। बीच में बहुत सारे ऐसे रास्ते आए जहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते थे, बर्फ़ जमी हुई थी, स्लश, मड, वाटर क्रॉसिंग, बड़े बड़े पत्थर, और उस जगह पे बस एक थोड़ा सा परेशान किया था इस गाड़ी ने। क्योंकि हालांकि भाई लिटरली बता रहा हूँ भाई, गजब की गाड़ी है ये, लेजेंडरी गाड़ी है भाई, सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा इस गाड़ी का। लद्दाख, पहले हम यहाँ से मनाली, लद्दाख होते हुए पूरा कारगिल, कश्मीर, जम्मू, पंजाब और वापस रोहतक आए हैं ना, जो ऑलमोस्ट 3000 के अराउंड अपना पूरा ट्रिप हुआ था। और भाई नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था इस गाड़ी में भाई साहब, मतलब कैसे भी रोड, कैसी भी कंडीशन, गाड़ी ने ना पूरा साथ दिया है हर जगह। बस एक छोटी दिक्कत जो आई कुछ जगहों पर जहाँ पे रोड ज़्यादा ख़राब थे, गाड़ी जो है नीचे टिक रही थी छोटी छोटी, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टिकी या पूरी तरह से टिकती आई है, मतलब जहाँ पे बहुत बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे ख़राब थे ना जहाँ पे, उधर ये था कि या तो थोड़ा सा आगे से कहीं कोनों में से टिक गई, जो जैक के पॉइंट्स होते वहीं से टिकी थी वैसे तो, या फिर पीछे जो पेट्रोल टैंक के वहाँ पे होता है उसके आसपास से टकराई थी। थोड़े बहुत पेट्रोल टैंक पे भी जो है पत्थर लगे हुए हैं, गाड़ी को चेक करवाया था मैंने आने के बाद, तो जो कि वैसे तो ठीक नहीं है, बट कोई नहीं, मैंने देख लिया था कि इतनी ज़्यादा दिक्कत है नहीं। और भाई मैं लेके जा चुका हूँ एक बार सिलेरियो, और भाई मैं ये प्रेफर करूँगा कि सिलेरियो या फिर कोई भी नीची गाड़ी मत लेके जाना, प्लीज़ भाई लिटरली बता रहा हूँ, मत लेके जाना नीची गाड़ियों की ना। कोई दिक्कत नहीं, जा सकती हैं, बट अगर रोड ठीक हो तो ही जा सकती हैं नीची गाड़ियाँ भाई। अगर अगर पहले चेक कर लेना अपने रोड ठीक है या नहीं, और अगर रोड ठीक नहीं है तो भाई प्रेफर करना बड़ी गाड़ी लेके जाओ जिसमें कि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज़्यादा हो। बस यही था यार, इसकी थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम पड़ गई, नहीं तो बाकी तो भाई ऑल राइट, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत ज़बरदस्त माइलेज जो है गाड़ी ने दी है। बाकी एक बार चलते हैं बाहर और आपको गाड़ी दिखाता हूँ बाहर से। और एक जो है दिक्कत भी आई थी बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों की वजह से गाड़ी में, वो दिक्कत भी आप लोगों को बताता हूँ, शेयर करता हूँ। और गाइस, तो मैं हूँ अभी गाड़ी के बाहर, तो जो दिक्कत आई थी वो है जो सस्पेंशन आर्म होती है गाड़ी की, जो सस्पेंशन आर्म है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। अब वो प्रॉब्लम कैसे हुई यार, वो तो ऑब्वियसली है, जो मैंने कंपनी से बात की, जो वहाँ पे जो वर्कर थे उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते और ऐसे उबड़ खाबड़ उनकी वजह से जो है हो जाती है दिक्कत सस्पेंशन आर्म। तो भाई ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, अगर ऐसे ये है लेफ्ट साइड का टायर, और अगर आप लेफ्ट साइड टायर के पीछे ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, यही वाला जिसकी इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो फिंगर के सामने है, ये होता है अपना सस्पेंशन आर्म। यहाँ पे ये जो पार्ट है, इस जगह से ये जो जगह है ये वाली, यहाँ से टूट गया था
जिसकी वजह से जब हम रास्ते में थे, हम थे अराउंड हमने श्रीनगर क्रॉस कर लिया था, हम जम्मू के वहाँ पे थे जब ये टूट गया था, और टूटा नहीं था प्रॉपरली, बट हाँ इसमें दिक्कत आ गई थी और आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा टक 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 की, जैसे मतलब नॉर्मल रोड पे कुछ नहीं होता, बट जब भी गड्ढे आ रहे थे बहुत ज़्यादा टक 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 की आवाज़ आ रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी और बहुत ज़्यादा अनॉय कर रही थी, और यार परेशान भी ऑब्वियसली कर रही थी, क्योंकि लंबे टूर पे अगर ऐसा कुछ हो जाए गाड़ी में तो अजीब तो लगता ही है। तो भाई ये भाई थी बस दिक्कत, आने के बाद इसको रिप्लेस जो है करवा दिया था मारुति के शोरूम से, इसको रिप्लेस जो है करवाया था, और इसकी कॉस्ट जो आई थी 1700 के अराउंड थी, जो कि जिसमें से कि मतलब 1100-1200 का जो पार्ट था और 500 जो है लेबर थी फिटिंग चार्जेस। तो आई थिंक यार ठीक है, मतलब इतनी छोटी गाड़ी होगी तुम इतनी दूर ऐसे लंबे टूर पे, वो भी इतने ख़राब रास्तों पे लेके जाओगे, तो भाई इतना तो हो ही सकता है। तो भाई मेरे को तो ये लगा था कि नॉट अ बिग डील, देखी जाएगी, हो गया हो गया, अब इतना लंबा टूर जो मारा है तो भाई कोई नहीं यार, इतना तो देख ही सकते हैं। बाकी बहुत जो है बढ़िया टूर गया, बहुत सही था, सब कुछ बहुत सही रहा यार। मेरी बस यही प्रेफरेंस है आपके साथ कि जो अगर आप लद्दाख का प्लान बना रहे हो ना, तो यार लिटरली छोटी गाड़ी में ना मत बनाना यार, बहुत दिक्कत हो जाएगी छोटी गाड़ी में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर मतलब बस यही है, छोटी गाड़ी में बना था। मैं तो बस एडवेंचर और मतलब कुछ हटके करने के लिए बना लिया था, वैसे भी मैं करके मतलब ऐसे हटके करने के चक्कर में बना चुका हूँ, तो अब दोबारा आप लोग मत ट्राई करना यार। और वैसे यंगेस्ट राइडर ऑफ इंडिया ही बन चुका हूँ मैं एक तरीके से, जिसने लद्दाख पूरा पैंगोंग लेक और कारगिल वो सब कुछ पूरा सर्कल जो है क्रॉस किया है, मतलब मेरे ख्याल से मैं यंगेस्ट ड्राइवर हूँ। बाकी देखते हैं, क्लेम अभी करेंगे वीडियो में आगे, अगर कुछ हुआ होगा तो फिर अपना क्लेम वापस लेंगे। बाकी बस गाइस रखते हैं इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।